नमस्कार, मेरा नाम संजय मकवाना है। मैं प्रवक्ता ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज अपन डिजाइन और शाफ्ट का जो थर्ड पार्ट है, दैट इज शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग, इसको डिस्कस करेंगे। मतलब कि एक शाफ्ट है, देखिए ये शाफ्ट है एक जिसपे दोनों तरफ के बल लग रहे हैं, ट्विस्टिंग भी है और बेंडिंग भी है। ये ट्विस्टिंग फोर्स भी लग रहा है जिसको टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क की वजह से ट्विस्टिंग लगता है, और अगर कोई लोड इस पे लग रहा है उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट आएगा एम। तो अगर कोई शाफ्ट जो डोनर फोर्सेस से डील कर रही है ट्विस्टिंग और बेंडिंग, तो उसको अपन किस तरीके से डिजाइन करेंगे। उसके डिजाइन के दो फॉर्मूले हैं, दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी जो है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है, जो कि जिसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, जिसमें एफ एस शेयर स्ट्रेस है मैक्सिमम इजिकल्स टू हाफ अंडर रूट एफ बी का स्क्वायर प्लस फोर एफ एस का स्क्वायर। वहाँ एफ बी जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस है, एफ बी बेंडिंग स्ट्रेस, और एफ एस जो है वो शेयर स्ट्रेस है, एफ एस जो है शेयर स्ट्रेस है। तो ये दो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी का। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी अपन इसलिए काम में लेते हैं कि जब भी कोई कंपोनेंट, कोई मैकेनिकल कंपोनेंट दो तरह के फोर्सेस से डील कर रहा हो, उस पर दो प्रकार के बल लग रहे हों, और उन बल की वजह से, उन फोर्सेस की वजह से दो तरह की स्ट्रेस उसके ऊपर आ रही हो, जैसे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, दो स्ट्रेस आ रही है, बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रही है और शेयर स्ट्रेस भी आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे को थ्योरीज ऑफ फेलियर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अपन थ्योरी ऑफ फेलियर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, जो यहाँ पर ये बताई गई है। अब इसको यूज करते हुए अपन इसको फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे कि जब किसी शाफ्ट पे टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट दोनों कार्यरत हो, दोनों उस पर फोर्स कर रहे हो, तो उसको अपन कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था शेयर स्ट्रेस, तो वो उसका पूरा फॉर्मूला था T=5/16 FS×DQ, ये हमारा पूरा फॉर्मूला था। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे अपन थोड़ा और एफ एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एफ एस की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 16, इधर मल्टीप्लाइड होगा तो 16T, देखिए, और पाई और डी क्यू नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एस इजिकल्स टू 16T/π/DQ। इसी प्रकार से अपन एफ बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एफ बी क्या था, m=π/32×FB×DQ, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए है दोनों, ये भी सॉलिड शाफ्ट के लिए, ये भी सॉलिड शाफ्ट के लिए। अभी अपन वही डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों बल किसी सॉलिड शाफ्ट पे लगे तो अपन उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इसको भी अपन इसी तरीके से रीअरेंज कर लेंगे, 32 यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा 32m, और एफ बी की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन तो पाई और डी क्यूब नीचे आ जाएगा, पाई और डी क्यूब इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दैट इज एफ बी 32m पाई डी क्यूब, और टी की जो एफ एस जो है वो 16T/π/DQ, ये दो वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को अपन को यहाँ पुट करना है, तो ये फॉर्मूला जो हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, एफ एस मैक्सिमम इजिकल्स टू हाफ अंडर रूट, ये देखिए यहाँ पर एफ बी की वैल्यू लिखेंगे अपन, तो वो हो जाएगा 32m π/DQ, ये देखिए, और इसका स्क्वायर प्लस फोर, फिर एफ एस की वैल्यू लिख देंगे 16T/π/DQ का स्क्वायर, ये देखिए, ये अभी अपन ने दोनों की वैल्यूज यहाँ से इनको, ये दोनों वैल्यूज अपन इससे पहले का जो वीडियो था उसमें अपन दोनों निकाल चुके हैं, और इन दोनों की वैल्यू अपन ने मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी वाले इस फॉर्मूले में पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव कर लेते हैं अपन, 4 को अपन 2^2 लिख सकते हैं, और इस 2 को 2^2 लिख दिया अपन इसको। अब आगे वाले नेक्स्ट स्टेप है एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ अंडर रूट 32m π/DQ का स्क्वायर प्लस, अब देखिए इस 2 को अपन अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इस वाले जो टर्म है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो अपन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये स्क्वायर कॉमन है, तो 16 × 32, तो यहाँ पर भी 32 हो जाएगा, 32T/π/DQ और होल स्क्वायर, ये देखिए।
क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था तो ये टू इसके साथ मल्टीप्लाइड है और ये स्क्वायर कॉमन है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो वापस ये टर्म बन जाएगी, तो अपन इसको 32t π d³ लिख सकते हैं, राइट। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हो गया, जो हमारी इक्वेशन हो गई वो 32m π d³ और 32t π d³। अब इसी के अंदर हम यहाँ पर क्योंकि जो कॉमन चीजें हैं उसको अपन बाहर ले लेंगे, तो fs मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ अपन जो जो कॉमन चीज है उसको अपन बाहर ले लेंगे, तो कॉमन है इसमें 32 देखिए π d³, ये और क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ जो बाहर आएगी चीज वो आएगी 32 π d³, ये दोनों में कॉमन है, देखिए 32 इसमें भी है, इसमें भी है, π d³ इसमें भी है, इसमें भी है, और दोनों पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए आसानी से इसको रूट के साथ काट के अपन बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर जो बचेगा वो निकलेगा देखिए यहाँ पर m² + t² ये शेष रहेगा, रिमेनिंग रहेगा, बाकी बाहर निकाल लिया अपन ने 1/2 32 π d³ और m² + t² ये अपना अंदर रह गया रूट के अंदर। अब इसके बाद यहाँ से 2 से अपन इसको कट कर देंगे तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और ये जो है m² + t² इसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट या इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, क्योंकि ये m² + t² है, अपन ने दोनों के इसमें लिया है और क्योंकि अपन ने शेयर स्ट्रेस थ्योरी लगाया है तो इसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, दैट इज TE = √m² + t² इस वाले जो रूट m² + t² है इसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो यहां जो है अपन इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे fs मैक्सिमम और यहां हो जाएगा 16 π d³ × TE, पूरे को रिप्लेस कर देंगे टी से, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग, क्योंकि अब जो फोर्स लग रहा है वो दोनों की वजह से लग रहा है, ट्विस्टिंग की वजह से भी लग रहा है और बेंडिंग की वजह से लग रहा है, तो जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा इक्विवेलेंट, इसलिए अपन ने इसको लिखा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। अब इसको रीअरेंज करेंगे अपन, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो TE = अब देखिए TE को निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, 16 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा π/16 fs × d³, और ये हमारा जो है इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। TE is called √m² + t² that is equivalent twisting moment equals to π/16 × fs × d³, या d जो है डायमीटर का शाफ्ट है, fs शेयर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या लिखना पड़ेगा MAX मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और TE जो है equivalent twisting moment है। तो इस तरीके से अपन इसको ड्राइव कर सकते हैं, इसी को अपन जिस तरीके से अपने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी लेके किया है इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लेके भी अपन इसको ड्राइव कर सकते हैं, तो उससे जो आएगा उससे मैक्सिमम इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट आएगा, जिससे π/32 fb/maximum × d³ वाला फॉर्मूला आएगा। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को लगा के अपन शाफ्ट का डायमीटर प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी टर्म्स अपन इसके द्वारा निकाल सकते हैं, दोनों से सेम डायमीटर आएगा, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आता है तो उसमें जो हायर वाला डायमीटर है अपन को वो कंसिडर करना पड़ता है, तो दोनों से अपना सेम निकलेगा, तो अपन किसी से भी अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं डायमीटर को, और जो स्ट्रेस है या इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है TE, इसको अपन किसी भी फॉर्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।